हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं इंपल्स के बारे में बताऊंगा। इंपल्स का हिंदी मीनिंग होता है आवेग। इंपल्स फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। इंपल्स दिखाता है कि किसी वस्तु पर कितना टाइम पड़ने पर उस वस्तु पर उस फोर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये समझ लीजिए, किसी वस्तु में कम समय में कोई फोर्स काम करता है तो वह उसका इम्पैक्ट उस वस्तु पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसी प्रकार किसी वस्तु में बहुत ज़्यादा समय में कोई फोर्स काम करता है तो वही फोर्स का इम्पैक्ट उस वस्तु में बहुत कम पड़ता है। इसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को का दूसरा डिफिनेशन होता है चेंज इन मोमेंटम, या न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। इम्पल्स का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल होता है जब अब कोई इंसान बॉल को कैच करता है। जब अब वह बॉल को कैच करता है तो उस समय वह अपने हाथ को थोड़े पीछे करता है, उससे उस फोर्स का इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर क्यों कम पड़ता है, क्योंकि वह टाइम को बढ़ा पाता है। उसी प्रकार अगर किसी मूर्ति को हम लोग फोम में लिपट कर रखते हैं और जब वह गिरता है तो उससे उस पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम पड़ता है और कॉलिजन का इम्पैक्ट कम पड़ता है। ग्रेविटी के कारण जो कॉलिजन होता है उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है, जिसके कारण वह मूर्ति टूटता नहीं है। ये सब इम्पल्स के एग्ज़ाम्पल है। इम्पल्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन एंड सेकेंड हैंड, और उसका अदर यूनिट होता है पौंड एंड सेकेंड, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट का पालन करता है। इसके अलावा इसका डायमेंशन होता है LMT-1। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है रिजल्टेंट फोर्स कॉस एस एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर अ लॉन्ग एज इट एक्स द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ओवर अ लॉन्गर टाइम देयर फॉर द प्रोडक्ट इज बिगर चेंज एंड इन लीनियर मूवमेंट द सेम फोर्स इज बियरली द चेंज इन मूवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट टू ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरेशन कंजर्वेशनली अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड a long time produce a same change in movement and the impulse is larger force is briefly j equals to f into T2-T1। इस प्रकार से हमें इम्पल्स मिलता है j equals to integration of f dt।